सो कंटेंट क्रिएशन करते करते मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और अब दोबारा उन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता यह है कि बहुत सारे लोग नए नए आते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इस तरह की कुछ ईमेल्स आती रहती हैं मेरे पास। तो मैं विदाउट डिलेइंग मैं एक ईमेल की तरफ चलता हूँ जहाँ पर उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा अभी, और उस ईमेल को मैं पढ़ता भी हूँ अभी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि स्टॉक्स एक कोई मैजिकल चीज़ें हैं और चीज़ है, और उसके थ्रू जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर वो आपको रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म गेम होता है अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, जो कि मेरा तो बिल्कुल भी उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता हूँ, खासतौर पर जो सबसे ईजी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ताकि आपका जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो उससे आप बच सकें। कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही थी। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो लेट्स से लॉन्ग पीरियड की बात करूँ तो 7-8 साल पुरानी नंबर्स देखें तो उसके अंदर बहुत बुरे हालात थे। लेकिन रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैली मिली है, और इनफैक्ट एक अच्छा स्टार्ट ये भी आया था कि पिछले 25 साल के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया था इन डॉलर टर्म्स। लेकिन ऑफकोर्स बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं वो पता होते हैं। यहाँ रहते हुए जो लोग पाकिस्तान के अंदर होते हैं उनके पास वो ऑप्शन नहीं होते, और जिसकी वजह से वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर रहते हुए आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। दूसरी अभी जो मैंने एक बात की थी कि एज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके अंदर आपको देखना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है स्टॉक्स के अंदर। पहले एक ज़माने में एक फॉर्मूला होता था कि 100 माइनस द एज, यानी कि अगर आपकी एज लेट से 40 ईयर्स की है तो आप अपना 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 का फिगर जो आता है, तो 60% एलोकेशन आपकी जो आपका नेटवर्थ है उसकी स्टॉक्स के अंदर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये कोई रिटन रूल मेरी तरफ से तो नहीं है, ये लोगों ने बनाया हुआ है, और मेरे ख्याल से इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि ये आपको रिस्क मिटिगेशन समझाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कैविएट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनल सिनेरियोज बनते हैं। तो वो मैं उन चीज़ों में जाए बगैर मैं एक आपको नॉर्मल सा रूल बता रहा हूँ, जो कि अब लोगों ने बढ़ा दिया है। 100 की जगह वो 110 कर दिया, कुछ जगहों पे 120 कहते हैं। लेकिन जो 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 उसका जिस्ट है वो यही है कि आप जो वैल्यू है आपकी एज की वो डिफाइन करती है कि आप स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टेड रहते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो कि 100% स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, 60 साल 70 साल की एज में भी जाके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, लेकिन उन्होंने समझ लिया होता है, सीख लिया होता है। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब की बात करें तो अगर फ़र्ज़ करें किसी की एज 50 है और 100 में से 50 माइनस करेंगे तो वो 50% का जो एलोकेशन है वो स्टॉक्स में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो रिस्क में आप जा सकते हैं। अब उस ईमेल की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक ईमेल मुझको आई थी, सब्जेक्ट था उसका एडवाइस रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड PSX इन्वेस्टमेंट। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के लिए ये वीडियो है, या इवन पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है। और मैं अपना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आप अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे, तो वो मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। कितना जल्द ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज सून एज़ पॉसिबल लेकर आ जाऊँ, क्योंकि 6 महीने हो गए लास्ट वाली वीडियो को, तो अब एक पोर्टफोलियो रिवील की वीडियो होनी चाहिए। इसमें वो कहती हैं कि अच्छा, ये खातून है जिनका मैंने जो सिटी जो कंट्री है वो मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि वो ना UAE है ना वो लेट्स से जो मेजर GCC कंट्रीज़ हैं वो नहीं है, लेकिन है GCC कंट्री का एक पार्ट। तो मैंने कहा वो ना बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। तो डियर सर, आई एम एन ओवरसीज़, अच्छा उन्होंने लिखा है, नाम बताया अपना, आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिविंग इन दिस कंट्री दीज डेज एंड डूइंग अ जॉब देयर। आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर यूट्यूब वीडियोज़। आई एम 50 years old, ये खातून है 50 years old, एंड हैव सम एसेट्स विच I want to invest in safe investment programs. I have RD account also. Kindly guide me regarding investing my money on PSX and dividend mutual funds. Dividends or mutual funds. I need precise guidelines from you exactly where to invest. ये काम तो मैं नहीं कर सकता। I need precise. ये काम तो आपने बहुत मुश्किल काम मुझे बता दिया कि मैं आपको प्रिसाइज करके बताऊं, ये काम बहुत मुश्किल है। ये तो इनफैक्ट जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, मैं कुछ लोगों के नाम भी बता सकता हूं, ट्विटर के ऊपर होते हैं। अब्दुल रहमान नजम, उन्होंने रिसेंटली एक सर्विस स्टार्ट की है, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं वो ट्विटर के ऊपर। तो मैं उनको कहूँगा कि आप उनको फॉलो करें। शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे आपको, लेकिन वो एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके वो पोर्टफोलियोज़ मैनेज कर रहे हैं, मैं खुद नहीं कर रहा होता। लेकिन ये कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। लेकिन सारे कैविएट्स के साथ वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। इसी तरह से और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर वो भी आप फॉलो कर सकती हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ आप उनको फॉलो कर सकती हैं, मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देख सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे हैं कि एज यू सेड you have invested at least 15 of renowned companies stock shares. I want recommendation from your side regarding this. अच्छा, जो नंबर वन पॉइंट है, अगेन मैं कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं करता, मेरे जो 15 किसी ज़माने में 30 होते थे, अब 15 हो गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं, वो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं है उसमें कि आपको लेना है नहीं लेना है, ये आपके अपने ऊपर है। डू वी हैव टू अटैच आवर आरडी अकाउंट वाइल डीलिंग विद PSX? अगर आपका मतलब ये है कि जब PSX में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरडी अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना है और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड्स भी उसी में आएंगे, तो येस यू हैव टू, बिकॉज वो सबसे अच्छा सिनेरियो बनता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो वो जो आरडीए अकाउंट है आपका, आरडीए पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है, लास्ट वीडियो का मैंने लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपको अपना अकाउंट लेट से लिंक करना है PSX के थ्रू तो वो बेहतर है, क्योंकि आरडीए के अंदर जब भी आपके डिविडेंड्स आएंगे वो आपके आरडीए अकाउंट में आएंगे। जब आप उनको लिक्विडेट करती हैं अपने स्टॉक्स को तो वो आपके लेट से आपके आरडीए अकाउंट के अंदर आएंगे, तो वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से पाकिस्तान से बाहर। जबकि नॉर्मल आप अगर ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे तो उसके अंदर वो नॉर्मल बैंक अकाउंट होगा और उसके अंदर रिपैट्रिएशन का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आरडीए के थ्रू करें, वो बेस्ट मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग सब अकाउंट, डू वी हैव टू ओपन CDC अकाउंट एज वेल? कर लें तो बेहतर है, लेकिन जो नॉर्मल आजकल अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके लिए सब अकाउंट भी मेरे ख्याल से इनफ है। इफ सब अकाउंट विल बी अटैच विद आरडीए, हाउ ब्रोकर कैन ट्रांसफर द अमाउंट इन आरडीए? ये चीज़ मैंने पहले कहा आपसे कि वो आपके अकाउंट से ही लिंक होगा, इनफैक्ट आप उसको फंड भी नहीं कर सकते कहीं और से। अगर आपका ब्रोकर अकाउंट है तो आपको फंड आपको अपने आरडीए अकाउंट से ही करना है, और आपके जो पैसे रिफंड होंगे या जो रिपैट्रिएट होंगे वो भी उसी अकाउंट में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा अकाउंट बैंक अकाउंट है। लास्ट ईयर I invested my money in Al-Mizan group. अच्छा, नाम ले लिया मैंने। नाउ आई हैव रिडीम द अमाउंट, काइंडली गाइड मी रिगार्डिंग दिस। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये आपने क्या कहा है, कि मैं इसमें आपको क्या गाइड करूं कि आपने रिडीम कर लिया। आई एम नॉट गुड इन अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक्स एंड डिविडेंड फिनोमेना, बट आई एम गुड एट यूजिंग मोबाइल ऐप्स विच आर यूज्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो मोबाइल ऐप्स एक चीज़ होती है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड इतना मुश्किल नहीं होता, आप 50 इयर्स की हैं तो आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एज आई सेड बिफोर, ये जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने रीज़न दिया था आपको कि जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी एज का ख्याल रखते हैं। 50 इयर्स के ऊपर आप सारे के सारे पैसे, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर डालें। आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके अंदर आप लेट से डॉलर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, रुपीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसके अंदर इस्लामिक ऑप्शन भी मौजूद हैं, कन्वेंशनल ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकती हैं। डिविडेंड्स का फिनोमेना कुछ इस तरह का है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। एक अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ तो नहीं है, वो बुरी चीज़ है इनफैक्ट, कि आपके डिविडेंड्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। आपकी जो भी डिविडेंड, जो भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं आपका, या लेट्स से ब्रोकर है, उसके अकाउंट में नहीं आते। जबकि आप US के जब भी अकाउंट, जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हैं, आपके जो डिविडेंड्स होते हैं वो आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर, जो पोर्टफोलियो की जो ऐप है उसके अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये UAE के अंदर भी इसी तरह से है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर ही डिविडेंड्स आते हैं। तो ये जो एक डिविडेंड का फिनोमेना है, ये आपको जब समझ में आएगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मुझे भी जब स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत एक अच्छा फिनोमेना लगा था कि मैं डिविडेंड्स ले सकता हूँ। कुछ अपनी एक तरह से मुझे इक्विटी होती है किसी कंपनी के अंदर और मैं उसके अंदर एक पार्ट प्ले कर रहा होता हूँ और मुझे उसके फ़ायदे होते हैं। जब मैं उस कंपनी की ग्रोथ होती है तो मुझे भी फ़ायदा होता है डिविडेंड की फॉर्म में और उस कंपनी की प्राइस की फॉर्म के अंदर। लेकिन कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अगेन मैं ये आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। मेरा पोर्टफोलियो जो है वो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि उसकी बेसिस के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट ना करें। ऑल्दो कि मेरे पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट जो 30, अगर मैं देखूं कि आई थिंक कोई, मैंने बताया भी था कि ऑलमोस्ट कोई 2x एटलीस्ट पोर्टफोलियो हो गया था बेस्ड ऑन जहां भी इन्वेस्टमेंट की थी। हालांकि वो SIP थी, कोई एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो 2 टाइम्स तो बल्कि 2 टाइम्स से ज़्यादा ही हो गया था। अब तो डिविडेंड्स के साथ अगर मैं देखूंगा तो 2.5 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की तरफ जा रहा होगा इस वक्त, क्योंकि ये एक साइकिल है। इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं और टाइम आपके साथ ना हो तो रिजल्ट ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो एक टाइम आएगा कि आपको एक साइजेबल पोर्टफोलियो मिल जाएगा। इसीलिए लोग जो एज का रेफरेंस है वो आता है, क्योंकि जब आपकी एज कम होती है तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है रिकवर करने का, और जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो कम टाइम होता है रिकवर करने का। उसमें एक और चीज़ ये कि अगर आप किसी ख़राब कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं तो फिर तो चाहे आपके साथ टाइम हो भी नहीं भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज से 20 साल पुरानी नोकिया की एग्जांपल ले लें, 10 साल पुरानी ब्लैकबेरी की एग्जांपल ले लें, उनके साथ क्या हुआ है, अच्छी कंपनीज थी उस टाइम पर, लेकिन जिसने उनमें इन्वेस्ट किया होगा उसके हालात कोई इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज ही ऑलमोस्ट जो मोबाइल फ़ोन डिवीजन है वो उस तरह से नहीं काम कर रहे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। उससे बेहतर यह है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर और कुछ मसले आते हैं पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड में, लेकिन फिर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं और साथ में ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान में ETFs का भी एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये आपको जब आप इन्वेस्ट करेंगी तभी आपको समझ में आएगा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता आपको। आई नीड योर, अच्छा जो 7 पॉइंट है, आई नीड योर एग्जैक्ट पीस ऑफ एडवाइस। अगेन एग्जैक्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना, एग्जैक्ट क्या चीज़ है, मैं यूट्यूब पर बैठकर आप किसी से पूछ रही हैं एग्जैक्ट, तो कोई आपको बोल रहा होगा तो मेरे ख्याल से गलत बोल रहा होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी डिलिब्रेशंस जारी होती हैं। द अमाउंट विच आई वांट टू इन्वेस्ट इज 7, आई थिंक ये 7 मिलियन 7, यस इसमें ये 7 मिलियन रुपीज़ हैं। तो 7 मिलियन रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको पूरे इन्वेस्ट करना है 7 मिलियन। ये डिपेंड करता है कि आपके पास और क्या मौजूद है इस वक्त आपके पैसों में। आई एम एक्सप्लोरिंग बराका ऐप एज वेल। बराका बहुत अच्छी ऐप है, US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। जो लोग आउट ऑफ UAE रहते हैं उनके लिए बेस्ट ऐप है बराका, क्योंकि उसके अंदर UAE वालों को तो फिर भी सर्वा थोड़ा सा बेहतर पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो उसमें ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन जो बराका है उसके अंदर ट्रांसफ़र चार्जेस आपको पड़ते हैं जब भी आप हर दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक बराका के अंदर आती है। आप जिस भी GCC कंट्री के अंदर हैं वहाँ पर आप बराका, क्योंकि बराका GCC स्पेसिफिक है, GCC कंट्रीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं वही लोग उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप बराका में खोल सकती हैं अकाउंट और उसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और अगेन मैं उसमें कहूँगा कि आप US की स्टॉक में जब जा रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ ETF के अंदर इन्वेस्ट करें, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखें। मेरा रेफरल कोड मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर आपको अकाउंट खोलना है। अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली और देखभाल के। यू ऑल्सो टॉक इन अ वीडियो अबाउट ट्विटर अकाउंट्स। अच्छा वो मैंने पहले बता दिया कि मल्टीपल हैं, अब्दुल रहमान नजम का मैंने नाम लिया और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू गो for a one-on-one session, please make some concession in your one-on-one session rates, because I actually don't want to make a discussion. I feel you are a genuine and sincere person helping people. You do research and practical for exploring different investment opportunities. So I want to take benefit from your practical experience and follow your footsteps for some custom-made changes according to my own needs and requirement. So ये जो point है ये इसके अंदर देखिए मैं sessions free भी रख सकता हूँ, लेकिन point ये होता है मैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए ये सेशंस रख रहा होता हूँ। मेरा मुझे कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता। $100 30 मिनट्स के चार्जेस हैं इसके, मुझे ऐसा बिल्कुल फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि वो सेशंस के लिए मुझे अपना टाइम ब्लॉक करना पड़ता है आगे और पीछे। तो इसलिए वो लिटरली स्पीकिंग ये मैं पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहा। ये पैसे मैंने इसलिए रखे हैं कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट रहे, लोग डायरेक्ट जब आते हैं तो उनको एक वैल्यू के लिए आए वो, इसलिए मैंने ये पैसे रखे हैं। तो ये मेरे ख्याल से फेयर अमाउंट है, इनफैक्ट कम ही है मेरे ख्याल से जो मैंने रखा हुआ है। सो आई वॉन्ट एग्जैक्टली द प्लान एग्जैक्टली, अगेन नथिंग इज़ एग्जैक्ट विद मी। सही है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको कहीं कि आपको आपकी एज के हिसाब से चलना है, मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड कर सकता हूँ कि आपको अपना रोशन डिजिटल अकाउंट अगर आपने कह रही हैं कि आपका है तो उसी के थ्रू इन्वेस्ट करें और किसी चीज़ के थ्रू इन्वेस्ट ना करें। रिपैट्रिएशन आसान होती है उसके अंदर। स्पेसिफिकली स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकता, मेरी वीडियो जो पुरानी वाली हैं उसमें से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा परसेंटेज थी उस वक्त भी, और अभी भी जो मैंने अपनी पोजिशन कट डाउन की हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर वही स्टॉक्स हैं सब सिवाय उनके जिनकी पोजिशन थोड़ी सी कम थी। तो मेरे ख्याल से वो सही स्टॉक्स थे। एक तरीका और भी हो सकता है कि जो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे Sarmaaya.pk है, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपको इन कंपनीज़ के जिन स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनके जाएँ और उनमें देखें कि किन किन म्यूचुअल फंड्स ने उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से वो अच्छी कंपनीज़ हैं, और अगर बहुत कम म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ब्रॉडली स्पीकिंग उनमें कोई ना कोई मसला होगा। तो ये एक छोटा सा पैरामीटर है जो कि आप देख सकती हैं अपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया को लाने के लिए। अगेन एज को ज़रूर अपना कंसिडर कीजिएगा। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं आप, और इसमें आप यूएस डॉलर में या रुपी के अंदर जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें आप उसके अंदर कर सकती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आज से 7 साल पहले या 8 साल पहले चले जाएँ तो आप देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बिल्कुल ज़ीरो रही है। आप लेट से 2000 से लेकर 2012 तक देखेंगे तो यूएस की स्टॉक मार्केट बिल्कुल डेड ज़ीरो रही है। तो आप ये देखें कि आज आप इन्वेस्ट कर रही हैं और आपको लगता है कि आपके ये जो पैसे जितने भी हैं ये एक्स्ट्रा मनी है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा मनी नहीं है तो ये पैसे ये भी हो सकता है कि स्टैगनेंट हो जाएं अगले 10 साल के लिए, जैसे यूएस की मार्केट में हुआ था, अगले 5 साल के लिए स्टैगनेंट हो जाएं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें कि आपके वो पैसे होने चाहिए जो 5 से 10 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, और मेक श्योर करें कि अच्छी कंपनीज़ में या ETF के अंदर इन्वेस्ट करें या उस कंट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिस पर आपको भरोसा है। मुझे पर्सनली स्पीकिंग पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, मुझे एटलीस्ट जो कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल रहा होता है, तो वो आपको देखना चाहिए, उसको बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं पाकिस्तान में लास्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, जब भी हुआ है उसके अंदर हमने देखा है कि रेजिलियंस तो है ना, वो फिर बाउंस बैक हो जाता है किसी ना किसी तरह से फॉर वन रीज़न और दी अदर। तो आपके जो कुछ पोर्शन है मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टेड होना चाहिए। बाकी लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन इन्वेस्टेड होना चाहिए और उसमें हमने फ़ायदे भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान ही हुआ है, उसमें प्रॉफिट्स हुए हैं, चाहे वो यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर हो चाहे वो PKR टर्म्स के अंदर हो, लेकिन अगर सही एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदे मिलेंगे। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी तैयब हनीफ के साथ, उन्होंने $1 मिलियन किस तरह अपनी जॉब के थ्रू बनाते हैं वो हर साल, वो उस वीडियो में उन्होंने बात की थी। वो डेनमार्क से यूएस गए थे, यूएस से फिर दुबई आए हुए हैं, तो वो किस तरह से उनका एक जर्नी रही है, उस पॉडकास्ट का लिंक यहाँ पर मैंने लगा दिया। इसके अलावा एक UK का बैंक है आईफर्स ग्लोबल, उसके साथ मैंने कोलैबोरेशन की थी और उनके CTO के साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कैसे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, UAE से, पूरे दुनिया में कहीं भी हैं वहाँ से आप UK का बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं बहुत इजीली खोल सकते हैं। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। उस बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको नीचे रेफरल लिंक भी मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।